ओडिशा के गंजाम में कुछ लोग एक घायल शख्स को कंधे पर लादकर सीढ़ी के सहारे नीचे उतारते दिखे। साइक्लोन जैसी आपदा से निपटने के लिए ओडिशा सरकार ने डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स का गठन किया है और इस फोर्स से जुड़े लोग एक घायल शख्स को निकालकर उसे इलाज के लिए ले जाते दिखे। ये लोग ओडिशा की डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स का हिस्सा हैं, जिन्हें मुश्किल हालात में लोगों को बचाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। कोई भी डिजास्टर में 10% जीरो कैजुअलिटी। ओडिशा के 480 किलोमीटर लंबे समुद्री किनारे पर बसे 23,000 गांव के लोगों को ऐसी खास ट्रेनिंग दी गई। ओडिशा में समुद्र के पास वाले इलाकों पर अक्सर साइक्लोन का खतरा मंडराता रहता है, इसीलिए राज्य सरकार ने इस मुश्किल से निपटने के लिए लोगों को तैयार करने की मुहिम शुरू की और इसके लिए बाकायदा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स का गठन किया गया। जिस तरह इस फोर्स में साइक्लोन की चपेट में आने वाले गांवों के नौजवानों को शामिल किया गया और उनकी मदद से मुश्किल हालात से निपटने की मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान समुद्र में डूब रहे लोगों को बचाने की भी ट्रेनिंग दी गई। उनको हम पूरे साल ट्रेनिंग दे करके इक्विपमेंट में उनको पारंगत करके उनको हम लोग इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहते हैं। ओडिशा के तट के पास के इलाकों में 1999 में सुपर साइक्लोन ने भारी तबाही मचाई थी, जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सौ बात की एक बात है कि ओडिशा सरकार की इस पहल से जहां समुद्र के पास वाले इलाकों में किसी भी आपदा से लोगों को बचाने में कामयाबी मिलेगी, वहीं इस मॉडल को देखने के लिए 14 देशों के भारत आने से वैश्विक स्तर पर देश की साख भी मजबूत होगी। अमेरिका